हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने गांव, जो दूर पहाड़ों के बीच जंगलों से घिरा हुआ है। अभी हम पहुँचे हैं नीम करोली बाबा के मंदिर में और कैंची धाम में। कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज हमेशा विराजमान रहते हैं, जो पूरे संसार में अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। बाबा के हजारों नहीं करोड़ों भक्त हैं, जो बाबा के दर्शन करने हर रोज आते हैं और यहाँ भीड़ लगी रहती है। अभी भी देख सकते हैं आप लोग, लाइन लगी है। अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं भक्त यहाँ आके। वो किस्मत वाले ही होते हैं जिनको बाबा यहाँ बुलाते हैं और दर्शन करते हैं। जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा महाराज जी, सबका कल्याण करना। दोस्तों, जब गाड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ों में चलती है तो चक्कर और उल्टियां आने लगती हैं, इसलिए मैं आपको रास्ते का वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ और गांव जाके ही अपने गांव का व्यू दिखाऊंगी। इसके लिए मैं आपके लिए आपसे सॉरी चाहती हूँ। गाड़ी आगे बढ़ा भाई, पीछे आपके 10 वाहन और खड़े हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा घर, हम गांव पहुँच चुके हैं। आप लोगों को अपना पैतृक घर दिखाती हूँ। ये हमारा पैतृक घर है, हम यहाँ आते जाते रहते हैं। देख लीजिए, ये है हमारा गांव का घर। ये मेरी सासू माँ है और यहाँ बंदर भी बहुत आते हैं। देखिए, बंदर छत में बैठा है आराम से, ये डरते भी नहीं है किसी से और उल्टा हमें डराते हैं। ये काटने के लिए आते हैं यहाँ बंदर। ये देखो, आराम से मज़े से कुछ खा रहा है। ये किचन से खाना बना हुआ उठा के ले जा लेते हैं। दोस्तों, गांव में बंदरों का इतना आतंक है ना, क्या कहें, ये बहुत नुकसान करते हैं। यहाँ गांव का व्यू इतना अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो है दूसरे दिन का। हमारे घर में पूजा है, गाँव में लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा आगे रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हमारे गांव के सज्जन लोग आकर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। देखिए, साथ साथ ही मैं आपको हिमालय के दर्शन भी करा रही हूँ। सामने हमारे घर से हिमालय पर्वत दिखते हैं और यही हमारे गांव की खूबी है कि यहाँ कोई भी हलवाई या कैटरिंग वाला हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, देख लीजिए, ये सब गांव के लोग हैं। कोई कुछ कर रहा है। नीचे सब्जी कटरी है। हम यहाँ हलवाई या कैटरिंग वाले को छोटे मोटे कामों में कभी नहीं बुलाते हैं, गांव के लोग ही सब हेल्प करते हैं आपस में मिलजुल के। जब भी कोई गांव में पूजा या पाठ कोई भी चीज़ होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, गांव के लोग आपस में ही मिल के सब काम पूरा कर देते हैं। देखिए आप, ये अम्मा है हमारी और यहाँ करती है सब्जी। यहाँ पर हम पूजा के लिए जो बेटी बनती है उसके लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। ये दीमक वाली मिट्टी होती है, पत्थर नहीं होते हैं, उसको बारीक किया जा रहा है अभी। देखिए, हमारे साथ अम्मा है, ये मेरी दीदी की सास हैं और जो मेरे बगल में है पीले दुपट्टे में, ये चाची लगती है गाँव की। सबको आशीर्वाद है, आशीर्वाद मिल गया सबको। अब यहाँ पे हो रहा है प्रसाद तैयार, सब्जी भी बन रही है साथ साथ ही। लकड़ियों में आग जला, आग से सॉरी, लकड़ी से आग जलती है यहाँ और लकड़ी में ही बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पंडित जी मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चार पांच पंडित जी आए हुए थे, ये अपनी तैयारी में लगे हुए हैं अंदर।
और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा में बैठने के लिए। ये मेरी सासू माँ है। अब हम पूजा में बैठ गए हैं, पूजा शुरू हो चुकी है। पूजा की पूरी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि हम व्यस्त हो गए थे अपने अपने काम में। वीडियो बनाने के लिए भी कोई नहीं था। अभी यहाँ पर हो रहा है पंडित जी का पूजन। और अब शाम के टाइम में यहाँ पे खाना खा के सभी लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और अभी सब लोग डांस भी करेंगे, कोई खाना खा रहा है, कोई डांस भी करेंगे। और आज शाम के टाइम से नाचते नाचते रात जरूर हो जाएगी, देखना पक्का आप लोग। आज हमने खूब डांस किया, एंजॉय किया और एक दूसरे से मिले बहुत समय बाद। आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। देखिए अभी से पूरी वीडियो डांस की है आगे को। कमजोर हो गए भाई, इतना बम फट जाना जा रहा है। पूछ रहे दीदी की आदमी, दीदी की आदमी जो तू है, दीदी की आदमी बम फटा है ना। आका दिल से दीदी की बात की बात क्या जी, बदल जाना जरूर, बदल जाना। कहने बोलूं तू पुरानी में यार।